तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई के अंदर डैक्स फंक्शंस, और हमने इससे लास्ट की क्लासेस में इफ के बारे में जाना था। अब चलिए इससे आगे की चीजों पे हम डिस्कस करते हैं लॉजिकल में। तो सबसे पहला फंक्शंस की हम बात करें तो हमने लास्ट क्लासेस में इफ किया था, इफ के अंदर नेस्टेड इफ को किया था, राइट। हम बात करते हैं एंड के बारे में, एंड का यूज क्या होता है। जैसे कि यहां मान लीजिए कि हमें इंसेंटिव देना है उनको जिनकी कॉल्स एक्सीलेंट 50 to 100 के बीच में, जी हाँ 50 to 100 के बीच में, तो हमें यहां पे क्या कंडीशन लगाना है, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो यहां पे दो कंडीशंस रिक्वायर है। तो मैं यहां मॉडलिंग पे आता हूं और मैं यहां न्यू कॉलम पे जाता हूं और यहां पर हम देता हूं INC incentive और यहां देता हूं एंड एंड, और इसमें हमने दिया कि एक्सीलेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 90। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि हम यहां तीसरा लॉजिक नहीं लगा सकते। जैसे कि एक्सेल में इसी बताने का पर्पस ये था कि एक्सेल के अंदर में हम एक साथ कई सारे कंडीशंस लगा सकते हैं एंड में, बट पावर बीआई में आप दो से ज्यादा कंडीशन एंड के अंदर नहीं लगा सकते। दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स, और इफ का इस्तेमाल करके आप इस ट्रू एंड फॉल्स को अपने हिसाब से दे सकते हो कि इफ और लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि 5000 सेंटी मिले, अदरवाइज 0 मिले। तो इस तरह से चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड के अंदर में मोर देन 2 से ज्यादा हम कंडीशन नहीं दे सकते, ओके। अब जैसे कि इसको हम लोग मेजर्स के जरिए अपने रिपोर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे कार्ड देना है तो कार्ड में हमें क्या देना है, रिपोर्ट स्टेटस हमें देना है। यहाँ पे हमें क्या देना है, रिपोर्ट स्टेटस। तो रिपोर्ट स्टेटस में हमारा कंडीशन नहीं है, रिपोर्ट स्टेटस में कंडीशन नहीं है कि जो डेटा है हमारा, उस डेटा में जो हमारा सेल्स है, मान लीजिए जो हमारा सेल्स की क्वांटिटी है, तो हमारा बॉस बोलता है कि अगर हमारी सेल्स जो है एक पर्टिकुलर पीरियड से ऊपर हुआ तो हमें यहाँ पे देना है, अदरवाइज नहीं देना। जैसे मान लीजिए मैं सेल्स को यहाँ रखता हूँ, तो एक मिनट, हाँ सेल्स को लिया और यहाँ पे हमने रख दिया, तो आप देखिए यहाँ पे टोटल आ जाएगा सेल्स का। इसको ये काम करता हूँ, डेटा मिला देता हूँ, हाँ टोटल यहाँ पे दिख रहा है 11,676। तो हमारा जो रिपोर्ट हम तभी भी बॉस को भेजेंगे जब मेरी रिपोर्ट 10,000 से ऊपर होगा, तो अदरवाइज हम नहीं भेजेंगे। तो रिपोर्ट हमें चेक करना है कि यहाँ पे देना चाहिए कि रिपोर्ट की क्वांटिटी रिपोर्टेबल है या नॉन रिपोर्टेबल है, ऐसे दो चीज़ें यहाँ पे हमें चाहिए, रिपोर्टेबल एंड नॉन रिपोर्टेबल। तो हम यहाँ मेजर्स में आते हैं और यहाँ पे तो हमें जो है 10,000 से 20,000 के बीच में रखना है, एक बिटवीन करना है। तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट या स्टेटस कर देता हूँ, यहाँ पे सही रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन होगा एंड का, एंड में हम देंगे सम और सम के अंदर होगा एक्सलेंट सेल्स होगा, माफ कीजिएगा हाँ क्वांटिटी, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है और फिर वापस हमने सम लिया और सम में वापस हमने सेल्स को लिया, सेल्स डेट हो गया, सेल्स करना है, सेल्स को लिया और बोला ए लेस देन इक्वल टू 20,000 है। तो यहां पे रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, जी हाँ रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अच्छा इसमें ब्राइकर क्लोज नहीं किया ना, लेकिन मुझे इस पे चाहिए रिपोर्टेबल यस एंड नो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे हम देना चाहते हैं
otherwise report यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड करना। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड नंबर आ जाएगा रिपोर्ट के नाम स्टेटस के नाम पे आईएनसी है स्टेटस और स्टेटस उठा के हमने यहाँ पे रिपोर्ट में रख दिया और यहाँ आपको दिख गया रिपोर्ट स्टेटस यस। तो इस तरह की चीजें करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसका और भी यूज है बट एक एग्जांपल हमने आपको दिया कि मेजर्स पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और की हम बात करते हैं और में जैसे कि यहाँ पे हमारा टीम है तो हमारा जो टीम है तो टीम में आप देखेंगे हमारे टीम में यार फिल्टर लगाता हूँ यहाँ से तो टीम ए बी सी डी के तक हमारा टीम है। इसमें जो डी है और एच है और जे है यहाँ देखिए टीम में हमारा डी है एच है और जे है। अगर तीन हुआ तो क्या आएगा ये आएगा इन हाउस क्योंकि हमारा जो टीम है डी एच और के मान लीजिए कोई भी इमेज इसमें से क्या है कुछ टीम हमारे आउटसाइडर है वेंडर है हमारे और कुछ टीम हमारे इन हाउस टीम है। तो जो जो टीम हमारे इन हाउस है उसके इन हाउस देना है और जहां पे टीम इन हाउस नहीं है वहां पे वेंडर देना है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं यहां पे कि इसमें से लेफ्ट से लगे क्योंकि काफी ज्यादा मैच करना पड़ेगा तो आप स्ट्रैक करने का भी कोड से यहां पे सिखा रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे मैं टी टाइप कर देता हूं यहां पे टीम टाइप और यहां पे देता हूं और के अंदर में मैंने यहाँ पे दिया राइट का फॉर्मूला। राइट फॉर्मूला राइट से डिजिट अलग करता है कौन सा तीन के अंदर का इज इक्वल टू हमने बोला ए जो भी आई ऐसा कुछ ले लेता हूँ मैं बोला कुछ और यार कुछ लिख रहा हूँ ऐसा बात नहीं है कुछ भी लिख सकते हैं। ए के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा मान लीजिए एच और ये हमारा के ऐसे तीन। अब इसमें भी दिक्कत ये है कि और में सिर्फ आप दो ही कंडीशन दे सकते हो दूसरे ज्यादा नहीं बट इफ लगाएंगे तो इसमें कई सारे कंडीशन होगा और फिर यहां पे इफ कंडीशन हम देते हैं यहां पे कि इफ ऐसा हुआ तो यहां पे इन हाउस अदरवाइज से एंड दे सकते हैं। इसमें एरर आ गया यहां एरर क्यों आया ओ सॉरी यहां इक्वल लग गया कॉमा लगना चाहिए था। इस तरह से और का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट सर एंड और फॉर्मूले में आप लोगों को हेलो सागर जी कोई प्रॉब्लम नहीं सर और दीपक जी तो हमने इफ को पढ़ लिया हमने एंड को पढ़ लिया हमने और को पढ़ लिया और हमने उसको मेजर्स भी इस्तेमाल करना सीख लिया और हम उसको हमने कॉलम्स भी इस्तेमाल करना सीख लिया राइट सर जी। अब इसमें देखिए एक इसमें हम लॉजिकल फॉर्मूला में आते हैं लॉजिकल फॉर्मूला की लिस्ट में आते हैं तो हमने यहाँ पे इसके बाद हम इफ एरर की बात करते हैं ठीक है इफ एरर की बात करते हैं जैसे एक्सेल में यूज था इफ एरर का वही होता है नॉट सिंपल सा है ए ट्रू को फॉल्स फॉल्स को ट्रू में कर देता है जैसे कि आपका तुरंत क्या हुआ कि चेंज हो गया मतलब कि उल्टा हो गया कि भाई ये दोनों जो है इन दोनों को ये सारे रहेंगे तो इनवॉइस रहेगा ये वेंडर रहेगा अथवा इनहाउस रहेगा तो आप कुछ नहीं क्या कीजिए इसको कंडीशन चेंज करने के बजाय इसको आप नॉट के अंदर में डाल दीजिए ठीक है
ये आपका जो इनवॉइस था वो वेंडर हो जाएगा, जो वेंडर है वो इनवॉइस हो जाएगा। तो ये नॉट का काम अपोजिट करने के लिए होता है। अब इस एरर की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हमें क्या है कि यहाँ रेवेन्यू हमारा ये हुआ, तो मुझे यहाँ पे पर पीस एमआरपी पता करना है, ठीक है। कि हमने 12 क्वांटिटी सेल की 7848 के नाम में टोटल, तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ न्यू कॉलम में आते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने एमआरपी दिया, एमआरपी। अब एमआरपी में हमने क्या किया कि यहाँ पे दे दिया रेवेन्यू डिवाइड बाय सेल्स, तो यहां पे दिख रहा है आपको एरर आ रहा है। ये एरर दिख रहा है आपको, क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें जीरो है, राइट सर, इसलिए इसमें एरर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं इस तरह की एरर ना आए, इसके जगह पे आ जाए क्वांटिटी नॉट फाउंड, क्योंकि इसमें रेवेन्यू तो जनरेट हुआ है, तो हमें ही पता नहीं कितनी क्वांटिटी हुआ है, मैंने बल्क में बिका है, तो क्वांटिटी नॉट फाउंड। यहाँ पे या पे ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी नॉट अपडेट या क्वांटिटी नॉट शो, ऐसा कुछ देना है हमें। तो यहाँ हम देंगे इफ एरर का फॉर्मूला, कि इफ एरर, और यहाँ पे हमने दे दिया कि एरर होगा रिजल्ट रिजल्ट देगा, अदरवाइज यहाँ पे देगा क्वांटिटी क्यू टी वाई। डेसिमल प्लस है, टेक्स्ट नहीं लेगा। हेलो हेलो, ये टेक्स्ट नहीं लेगा, इसे जीरो दे दो। बेसिक नंबर कॉलम है ना, इस पे टेक्स्ट नहीं लेगा, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल नंबर है ना, कॉलम की जो टाइप है इस कारण से नहीं। अगर टाइप में अगर टेक्स्ट कर दूंगा तो ले लेगा, इसे ये नहीं है, समझ जाइए कि ये जो हम अभी जो हमने दिया है इफ एरर फार्मूला, इसे ये नहीं है कि इफ एरर फार्मूले में आप जीरो टेक्स्ट नहीं डाल सकते, टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो कॉलम का टाइप है वो यहाँ पे डेसिमल नंबर में नंबर कॉलम टाइप है, और नंबर कॉलम टाइप में किसी भी तरह का टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, समझ गए। तो इस तरह के इफ एरर को यूज कर सकते हो। और इफ अब यहाँ पे क्या है कि इफ एरर का वीवीएम एक एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप आता है इफ एजर, आई थिंक चूज की तरह है, नया फॉर्मूला है, नहीं इफ की तरह लग रहा है, इफ एजर लॉजिकल टेस्ट रिजल्ट इज ट्रू एंड रिजल्ट इज फॉल्स। एक बार अप्लाई करके देखता हूँ मैं इसके पावर बी आई पे, डॉट एजर, आई थिंक ये फॉर्मूला मेरे इसमें है ही नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं था। इफ तो है लेकिन डॉट लगा के ई लगाता हूँ तो नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, बट इफ की तरह ही फॉर्मूला काम करता है। इसको हटाइए, उसके बाद इसमें आता है आपका स्विच का फॉर्मूला। स्विच का फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ देख लीजिए, स्विच का फॉर्मूला, जैसे कि आपको मल्टीपल ये देना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डेटा में आते हैं, तो यहाँ डेटा में हम देखते हैं एक बार कि हमारे पास यहाँ पे, हाँ यहाँ पे यहाँ पे टीम है, यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, प्रोडक्ट हैं, डेट है, रीजन्स है, यहाँ पे लॉगिन आवर है, इस तरह से आगे यहाँ पे जा रहा है हमारा कंटिन्यू।
इसमें मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि हमें इसका ये सेट करना है, मतलब कि इसमें डेटा ऐसा नहीं है। एक मिनट जाइए, स्विच का काम एक्सेल पे भी होता है, मैं एक्सेल पे बताता हूँ क्या करता है स्विच। जैसे कि स्विच होता है यहाँ पे, मान लीजिए कि हमारा 1-1 आया तो दिल्ली आया, 2-2 आया तो मुंबई आया, ऐसे करना होता है। स्विच यहाँ भी काम करता है, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, इस पे वैल्यू 1 की 1-1 आया तो दिल्ली, पे 2-2 आया तो मुंबई। रिजल्ट आप एक कई सारे रिजल्ट देते चले जाइए, आपके पास काफी काफी ज्यादा वैल्यू हो तो उसमें बार बार इफ लगाना, क्योंकि और के अंदर तो एक दो ही कैपेसिटी है, लेकिन बार बार आपको लगाना कि भाई 1-1 आया तो ये आया, 2-2 आया तो ये, 3 आया तो ये, 7 आया तो ऐसा है, 4 आया तो ऐसा है, तो इसमें आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है सर, किसी को डाउट इसमें? इस स्विच को आप ऐसे ही यहां पावर बीआई में इस्तेमाल कर सकते हैं। सागर जी, कोई डाउट इसमें? अब लास्ट एक फॉर्मूला याद रखें, कॉलेक्स फॉर्मूला, एक्सप्रेशंस, ये फॉर्मूला अलग है, इसको बताया था कि मैं एमुलेट करके दिखाऊंगा आपको इसको। ये आपका इसके तरह चलता है, क्या बोलते हैं, इफ अरे की तरह होता है कि अगर कोई रिजल्ट यहाँ पे आया, अगर वो रिजल्ट ब्लैंक है तो यहाँ पे 0 है। जैसे फॉर यहाँ क्वांटिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ न्यू कॉलम्स और यहाँ पे हम दे है ही नहीं, इसमें नहीं, हमारे पावर बी में नहीं है, अपग्रेड करना पड़ेगा लग रहा है, एक बार ये अभी अभी अपडेशन आया नहीं है, इसलिए है नहीं बना। ये बस इधर आता है, जैसे ये रिजल्ट आपका ब्लैंक आया तो उसके जगह पे 0 आया, तो इफ एरर एरर वो करता है, ये ब्लैंक को करता है, ब्लैंक को कन्वर्ट करता है इसके अंदर। तो लॉजिकल समझ में आ गया विदाउट इसमें। अब एक चीज और मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमें किसी ने मुझसे एक की थी फोन पे बात की थी, और उन्होंने बोला था कि हम यहाँ मान लीजिए कोई रिपोर्ट लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट लिया, मान लीजिए नेम बाइजी, मान लीजिए रीजन बाइज, रीजन बाइज हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई डेट रिपोर्ट्स बनाया हुआ है रीजन बाइज सेल्स का। ओके, तो अब प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोडक्ट मुझे इस पे प्रोडक्ट 1 का चाहिए, प्रोडक्ट 1 का चाहिए, तो यहाँ हमारे पास फिल्टर का ऑप्शंस है कि भाई यहाँ पे फिल्टर्स हम ले सकते हैं, यहाँ से फिल्टर ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ प्रोडक्ट को एक काम और भी कर सकते हैं कि हम यहाँ स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कि स्लाइसर लिया और स्लाइसर्स के अंदर में हमने प्रोडक्ट को रख दिया, जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में समझाए थे। अब मैं इस पे अगर प्रोडक्ट 1 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा पूरा रिपोर्ट प्रोडक्ट 1 के अकॉर्डिंग आता है, जी हाँ प्रोडक्ट 1 के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट 9 हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये तो यूजर चेंज कर सकता है, लेकिन मुझसे जो रिपोर्ट मांगा गया है वो रिपोर्ट मांगा ही गया है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मुझे जो रिपोर्ट दे देना है उसी प्रोडक्ट का देना है, हम ये फिल्टर का थ्रोट नहीं देना चाहते कि वो फिल्टर चेंज कर दे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू टेबल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, राइट, न्यू टेबल, हमने यहाँ पे टेबल का नाम दे देता हूँ, टेबल जनरेट हो गया क्या, सॉरी टेबल जनरेट हो गया, नहीं हुआ, न्यू टेबल पे आते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं हमारे पास एक फिल्टर का फॉर्मूला है, फिल्टर,
फिल्टर में हमने दिया डेटा, और डेटा के बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में हमने बोला कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू अब मेरे पास देखिए जो डेटा आया प्रोडक्ट वन के अकॉर्डिंग ही डेटा आया है, दिख रहा है आपको। और यहां जो रिपोर्ट में देखिए एक नया टेबल जनरेट हो गया PR1, एक नया टेबल क्या आ गया PR1। अब मैं रिपोर्ट पे जाऊंगा और जब रिपोर्ट तैयार कर लूंगा तो जैसे मैंने PR1 में से करना ना, यहाँ इसमें हमने यहाँ रीजन दिया और रीजन के बाद मैं यहाँ पे अपना सेल्स, ओके तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट जो है प्रोडक्ट हमारा इससे। अब इसमें कोई स्लाइसर वाइसर इंसर्ट करने का झंझट ही नहीं है, हमारा रिपोर्ट बना ही है प्रोडक्ट वन के लिए, प्रोडक्ट वन के लिए। तो हमें कॉपी कर इस केस में और जो बोला कि मैं सर कॉपी करता हूँ एक नया टेबल में पेश करता हूँ फिल्टर करके फिर उसमें फिल्टर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, हमें ये अथॉरिटी नहीं देना है यूजर को जो रिपोर्ट देख रहा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर बदल के चेक करे। जो मैंने रिपोर्ट दिया उस पर बदल सकता है, जैसे कि इस पर कोई और फिल्टर लगाना हो लगा सकता है, बट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग फिल्टर नहीं लग सकता। तो इसलिए हमने क्या किया, हमारे पास न्यू टेबल का ऑप्शन है और इस न्यू टेबल में हमने फॉर्मूला लगाया किसका, टेबल का, यहाँ फिल्टर का, सॉरी फिल्टर में ये आपका डेटाबेस, और डेटाबेस आ जाता है अपना जो डेटा है उसका नाम दे दीजिए जिस डेटा से आपको डेटा लाना है, और यहाँ पे आपका आपका कॉलम, और यहाँ पे उस कॉलम के अंदर क्या चाहते हैं, राइट सर। बट इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि इसमें हम मल्टीपल कंडीशन नहीं लगा सकते, या लगा सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ न्यू टेबल पे जाता हूँ, पेज जी दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे हम फिल्टर देते हैं, यहाँ पे हमने डेटा और इसमें हमने एक्सप्रेशन में यहाँ पे और लगा देता हूँ, और में मैं देता हूँ टीम ए कॉमा इक्वल टू टीम, काम कर जाता है सर, टीम और टीम भी आ गया ना सर, हेलो। अब आपको इसमें रिसर्च करना है कि तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा कैसे ले, ठीक है, आप लोग फॉर्मूला बना के मुझे व्हाट्सएप भेजिए कि तीन से ज्यादा कैसे ले। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अगली कैटेगरी